हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ये होनर का सेट है एक, और इसका हमने FRP लॉक रिमूव करना है। ये है होनर 8X। इसकी बैक मैंने उतार दी है क्योंकि ये इसका जो FRP है वो टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करके फिर ये रिमूव होता है, ठीक है। तो अभी मैंने इसे ऑन किया है, ये ऑन हो जाएगा तो अगला प्रोसेस मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसे कैसे हम FRP इसका अनलॉक करते हैं। ये देखें जी, ये रीसेट हुआ है सेट, ओके। और यहाँ पे ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ये ठीक हो गया। और इसे आपने खोल लेना है, इसकी बैक उतार लेनी है। और ये देखें, ये अभी मैं जो है ना इसे बंद करता हूँ। बैक आप पहले उतार लीजिएगा क्योंकि ये टेस्ट पॉइंट मिलाए बगैर नहीं होने वाला। ये सेट है हवावे का होनर 8X, ठीक है। ये मैंने बैटरी निकाल के लगा दी है इसे दोबारा, और ये इसके यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है। ये मैं आपको जो है ना यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ कि इसके टेस्ट पॉइंट हैं कौन से। आप पहले इसके टेस्ट पॉइंट देख लीजिएगा कि कौन से हैं इसके टेस्ट पॉइंट, फिर टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके आपने केबल लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बल्कि लगा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने इधर तस्वीर लगा दी है, ये इसके टेस्ट पॉइंट है। सेंटर वाला पॉइंट है इसका, जो शॉर्ट करके आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, ओके जी। ये देखें, ये भी कनेक्ट हो जाता है। मैं PC से लगाने लगा हूँ इसे, ये यहाँ पर इसकी कॉम शो हो जाएगी। ये कनेक्ट हो गया है, यहाँ पर हम PC में इसकी कॉम देख लेते हैं। ये देखें जी, ये हवावे USB कॉम 1.0 शो हो गई है। अब इसका हम FRP अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ये अनलॉक टूल है मेरे पास, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ जी। ये ज़रा थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा ऑन होने में। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ऑनलाइन मैं आपके PC में ही अनलॉक टूल से अनलॉक कर सकता हूँ आपका FRP को। ये देखें जी, ये आ गया है। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम लिखते हैं, एक सेकंड में यूज़र नेम लिख लेता हूँ। ये यूज़र नेम हो गया, और यहाँ पर मैं देता हूँ पासवर्ड। ये देखें जी, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नेट ज़रूरी है इसके लिए, नेट होता है तो ही ये चलता है, विदाउट नेट ये जो है वर्क नहीं करता। चलें जी, ये अनलॉक टूल ओपन होने वाला है। ये देखें, ये अनलॉक टूल ओपन हो जाता है जैसे ही। तो मैं आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, अब ये ओनर 8X सेट है मेरा। अब ओनर 8X का यहाँ पे टेस्ट पॉइंट तो आपने देख ही लिए हैं, टेस्ट पॉइंट देख लिए ना, तो दोबारा आप गूगल करके भी टेस्ट पॉइंट देख सकते हैं। ये टेस्ट पॉइंट है इसका, पॉइंट आ गए हैं, ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट है। और एक और चीज़ हमने देखनी है यहाँ पे, मैं आपको चेक करता हूँ। ये देखें, कॉम शो हो रही है यहाँ पे, और दोबारा आप गूगल कर लें क्योंकि यहाँ पे 8X भी आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं FRP, लेकिन ज़्यादा इजी वे जो है वो है यहाँ पे हम आते हैं गूगल पे। यहाँ पर हम लिखते हैं ओनर 8X चिपसेट, हम इसका CPU टाइप देखना चाहते हैं कौन सी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं चिपसेट, ये चिपसेट ओनर 8X की चिपसेट आ गया। यहाँ पे ये देखें, केरिन 710 है, केरिन 710। यहाँ पे हम देखते हैं केरिन 710, ये है केरिन 710 FRP। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये देखें जी, ये आ गया इसका, ठीक है, केरिन 710 FRP। यहाँ पे कनेक्ट हमारा मोबाइल हुआ हुआ है ऑलरेडी, कॉम शो भी है। यहाँ पे हम जस्ट FRP पे क्लिक कर देंगे। ये देखें जी, ये FRP पे क्लिक कर दिया है हमने और ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कनेक्ट करेगा, नहीं जी ये स्टार्ट हो गया, ये चलना शुरू हो गया, ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और ये कंप्लीट हो जाएगा। ये रेजिंग FRP हो रहा है, ये लें जी, ये डन हो गया, ये FRP आपका रिमूव हो गया। यहाँ पे इसने शो भी कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसकी बैटरी उतार के दोबारा लगाता हूँ और इसे मैं ऑन कर लेता हूँ दोबारा। आपके सामने ही है, मैं चेक भी करवा देता हूँ आपको। अगर आपका सेट नहीं भी ऑन होता है, बैटरी उतार के लगा लें एक बार और फिर इसे ऑन कर सकते हैं आप, ये इजीली ऑन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।
ये देखें जी, ये ऑन हो गया है सेट, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्टिवेट होने में, और देन ये एक्टिवेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऐड है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको अगर अनलॉक टूल चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अनलॉक टूल आपके पीसी में इंस्टॉल करके आपको FRP अनलॉकिंग और भी कोई काम है तो वो इजीली आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर ये एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ऑनर आ गया, तकरीबन 1 मिनट ले लेता है ये। ये लें जी, 1 मिनट से भी पहले ये ओपन हो गया है, ठीक है। और अब जस्ट आपने एक्टिवेट करना है अपनी डिवाइस को, ओके। यहाँ पे हम ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आ गई, और ये टर्म्स एंड कंडीशन लें जी, ये देखें यहाँ पे सेटअप किया, वाईफाई लगा दिया, लगा हुआ है ऑलरेडी, और ये एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अगर हवावे आईडी होती है तो हवावे आईडी भी ऐसे ही आप रिमूव कर सकते हैं। सेम आपने चिपसेट सेलेक्ट करना है, और हवावे आईडी नीचे ही ऑप्शन आ रहा है हवावे आईडी का, रिमूव हवावे आईडी कर दें, जस्ट सिंपल। ये देखें ये यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ये FRP का स्किप का ऑप्शन आ गया हमारा, यहाँ पे हम स्किप करते हैं, ये स्किप हो गया, और नेक्स्ट करते हैं हम। ये हवावे आईडी आ रही है लेकिन लगी नहीं हुई, लेटर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आईडी होती है तो आईडी का भी हम ऐसे ही इसे कनेक्ट करेंगे, और जस्ट सिंपल रिमूव आईडी पे क्लिक करके हम इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं डिवाइस को। ये देखें जी, ये एप्लीकेशन आ गई, इंस्टॉल करने से ये ऑटो इंस्टॉल होती रहेंगी, कोई इशू नहीं है इसका। ये लें जी, ये हमारी जो है डिवाइस एक्टिवेट हो गई है, और FRP रिमूव हमारा हो गया है। यहाँ पे हम ये देख लें जी, ये डिवाइस नेम ऑनर 8X JXN L22 है, ठीक है। और ये सारा इसका एंड्रॉयड वर्जन और सब कुछ आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।